डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एपीएमसी हमीरपुर के परिसर में इकट्ठे होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी, महान चिंतक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इस देश में दो प्रधानमंत्री, दो विधानसभा, दो निशान नहीं चलेंगे इस नारे को लेकर देश भर में आंदोलन किया एवं लड़ते लड़ते अपने जान की आहुति दे दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां प्रखर राष्ट्रवादी थे, वहीं महान चिंतक और एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में उन्होंने खड़ा किया। इस देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे इस नारे को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने इस देश में किया और उसी आंदोलन में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। उनकी शिक्षाएं हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 एवं 35A को समाप्त करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम एक बार फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्यारेलाल शर्मा, वार्ड नंबर 11 के पार्षद वकील सिंह, डुग्गा पंचायत उप प्रधान आंचल सिंह पटियाल, राजेश जरियाल, प्रमोद पटियाल, त्रिलोक डढ़वाल, पूर्व प्रधान रविंद्र पटियाल, निदेशक हिमपैंड हिमाचल प्रदेश रविंद्र कटियार, राजेश चंद, शुभम शर्मा इत्यादि मौजूद रहे।